शिक्षण वाला टॉपिक है वो पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है मैम वो है फ्रेंड्स राज्य विधान मंडल। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये जो राज्य विधान मंडल है इसका संबंध यदि हमें भाग से पूछे, संविधान का भाग पूछे तो फ्रेंड्स छः करना है। राज्य विधान मंडल का संबंध संविधान के भाग से पूछे तो हमें करना है संविधान का भाग छः। और यदि ये हमें अनुच्छेद में पूछता है कि कौन कौन से अनुच्छेदों के अंदर कहाँ से लेकर कहाँ तक राज्य विधान मंडल का उल्लेख है तो हमें अनुच्छेद 168 से 212 करना है। 168 से 212 दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने हैं। भाग तो है 6 और अनुच्छेद है 168 से लेकर के और 212। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो राज्य विधान मंडल है इसका जो गठन होता है वो दो सदनों से मिलकर के होता है। इसमें दो सदन होते हैं। अब जहां दो सदन होते हैं वहां इसके अंदर क्या है और जहां एक सदन है वहां इसमें क्या आता है, तो पहले अपन द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात करेंगे, अनुच्छेदों की बात यहां करते हैं। देखिए फ्रेंड्स गठन दो सदन होंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल क्या है। राज्य विधान मंडल याद रखना फ्रेंड्स कि जो राज्य विधानमंडल है यानी प्रत्येक राज्य में राज्य विधानमंडल होगा जिसका गठन एक या दो सदनों से मिलकर के होगा। इस राज्य विधानमंडल का जो संबंध है वो आता है याद रखना अनुच्छेद 168 में, यानी राज्य विधानमंडल का संबंध है अनुच्छेद 168 से है। अब इस राज्य विधानमंडल के जो सदन है याद रखने हैं आपको, राज्य विधानमंडल के जो सदन है फ्रेंड्स दो है। जो पहला सदन है इसका वो आएगा विधान परिषद, पहला सदन आएगा विधान परिषद। और फ्रेंड्स ये जो दूसरा सदन है वो है विधानसभा, क्या है विधानसभा। लेकिन याद रखना है हमें कि भारत के सभी राज्यों में विधान जो मंडल है वो दो सदनात्मक नहीं है, केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर विधान मंडल है उसमें दो सदन है, बाकी के राज्यों के अंदर जो विधान मंडल है वो एक सदनात्मक है अर्थात वहां पर केवल विधानसभा है। अब देखते हैं हमने सदन इसके दो हो गए विधान परिषद और विधानसभा। मैं यहाँ अनुच्छेद भी लिख देती हूँ, विधान परिषद से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 169 है और जो विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद है वो है फ्रेंड्स 170। यहाँ हमारी ये बात क्लियर हो जाती है राज्य विधानमंडल के दो सदन। फिर मैं इधर लिख देती हूँ, याद रखना यदि हमें राज्य विधानमंडल के अंग पूछे एग्जाम में तो हमें करने हैं 3 अंक पूछते हैं, हमें कितने करने हैं 3। लिख देती हूँ आपको, एक नंबर पे है विधान परिषद, एक नंबर पे है विधान परिषद, दो नंबर पे है विधानसभा जो इसके दो सदन भी थे अभी हमने पढ़ा है, और 3 नंबर पे आएगा फ्रेंड्स राज्यपाल, 3 नंबर पे आएगा राज्यपाल। यानी इन तीनों से मिलकर के विधानमंडल का निर्माण होता है, यानी ये तीनों विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग है। अब अनुच्छेद मैंने आपको दो तो बता दिए विधानसभा और विधान परिषद में, मैं आपको राज्यपाल का और बता देती हूँ। वैसे हमने कुछ दिन पहले अभी राज्यपाल वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से पढ़ा था। विधान परिषद में 169, विधानसभा में 170 और राज्यपाल में है अनुच्छेद 153। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले कि जो विधान परिषद है, जो विधान परिषद है वो भारत के कितने राज्यों में है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इधर लिख देती हूँ मैं, विधान परिषद, विधान परिषद याद रखना है, विधान परिषद वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है। विधान परिषद है वो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, शायद यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। विधान परिषद है वो कितने राज्यों में है, 6 राज्य। कितने राज्यों में आएगी, 6 राज्य। अब इन 6 राज्यों को याद करने के लिए हमने ट्रिक बना रखी है, बहुत शानदार ट्रिक है वो, केटी अंबू। उस ट्रिक का क्या नाम है फ्रेंड्स, केटी अंबू। देखिए फ्रेंड्स मात्र 2 मिनट के बाद में आपको वो 6 के 6 राज्य याद हो जाएंगे और संख्या के साथ कि किस राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य हैं।
मैं सोचती हूँ आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा, और यदि आपने इसे नहीं भी नोट किया है तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं कि भारत के वो 6 राज्य कौन से हैं जहाँ पर विधान परिषद है। केटीएम को हमने सूत्र लिख दिया, अब हम लिखते हैं एक नंबर पे कैसे आएगा कर्नाटक, यानी पहला राज्य कर्नाटक जो हमारे ट्रिक के माध्यम से बन रहा है कि कर्नाटक में विधान परिषद है। दो नंबर पे है फ्रेंड टी, अब याद रखना टी से हमें तमिलनाडु मत कर देना, अब टी से हमें करना है तेलंगाना, क्या करना है तेलंगाना। उसके बाद आता है हमारा तीसरा अक्षर यहाँ पर ए, याद रखना ए से हमें आंध्र प्रदेश करना है, क्या करना है आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए चौथा जो अक्षर है हमारे ट्रिक में वो है एम, एम से मध्य प्रदेश मत कर देना, मध्य प्रदेश करते ही अपना उत्तर गलत हो जाएगा, एम से करना है महाराष्ट्र, एम से होगा महाराष्ट्र। पांचवा जो अक्षर है हमारा वो है फ्रेंड्स बी, और बी से होगा बिहार, बी से क्या होगा बिहार। और छठा है हमारा यू, और यू से बनेगा उत्तर प्रदेश। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो 2020 में राजस्थान पुलिस के पेपर लगे थे उन राजस्थान पुलिस के पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो एक छोटी सी ट्रिक के टी अंबू आपको याद करनी है, उसके बाद आपको 6 के 6 राज्य है, पहले 7 हुआ करते थे जब हमारा सूत्र है वो जम्मू, इसके अंदर और जुड़ जाता था जब हम उसको केटी जम्मू कर लेते थे, और हमने इसको कर दिया है केटी अंबू। अब हम फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं कि किस राज्य में विधान परिषद की कितनी कितनी सीट है। अब आपको सबसे पहले तो मैं सर्वाधिक बता देती हूँ फ्रेंड्स, यूपी में सर्वाधिक है, आपको मैं वैसे इग्नोर करवा दूंगी, यूपी में सर्वाधिक है और वो है 100। यूपी में विधान परिषद में सर्वाधिक सीट है फ्रेंड्स, और वो कितनी है हमारे 100। अब हम बाकी के जो 5 राज्य बच गए जहाँ विधान परिषद है वहां भी हम विधान परिषद में सदस्यों की संख्या नोट कर लेते हैं। जो कर्नाटक है उसके अंदर है 75, कर्नाटक में विधान परिषद में कितने सदस्य है 75। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 58 आएंगे, आंध्र प्रदेश में अपने 58 आएंगे। दो नंबर पे हमारा तेलंगाना था फ्रेंड्स, तेलंगाना में 40 आएंगे, तेलंगाना में कितने आएंगे 40। अब ये तेलंगाना याद रखना, जैसे यूपी में सर्वाधिक 100 सदस्य थे, 100 सीट थी विधान परिषद में, 100 व्यक्ति थे, वैसे ही जो तेलंगाना है उसमें है मात्र 40, और याद रखना कि जो 40 है वो सबसे कम है। उसके बाद बच गया हमारा बिहार, याद रखना बिहार में 75 है। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने निकल गया है कि दो राज्यों में विधान परिषद की सीट बराबर है, और वो दो राज्य कौन से हैं, बिहार और कर्नाटक। इसको आप स्टार डाल के प्रश्न लिख लीजिए कि बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद में सदस्य, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75। अब हमारा क्या बच गया महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है वो है 78 यानी 78। मैं समझती हूँ आप अपने ना तो आपको 6 राज्य याद करने में दिक्कत आएगी, और मैं 6 राज्यों में जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको याद करने में आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक में, अभी तो हमने केवल इतना पढ़ा है कि विधान परिषद के अंदर है 6 राज्य है, और ये विधान परिषद की सीट है, वहां सबसे ज्यादा आपको यूपी में करनी है, और सबसे कम कहाँ करनी है आपको तेलंगाना। अब पढ़ते हैं हम विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अपना, याद रखना फ्रेंड्स, एकदम इजी सा पर्सन है कि विधान परिषद का जो गठन है या जो समाप्ति का अधिकार है वो संसद के पास है। विधान परिषद का गठन और उसकी समाप्ति का जो अधिकार है वो संसद के पास है, लेकिन उससे पहले क्या होता है देखिए फ्रेंड्स कि जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा द्वारा या अपन ये कह सकते हैं राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल जहां विधान परिषद के गठन की बात हो रही है वहां उसके अंदर फिर विधानसभा आएगा,
द्वारा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा जाता है। यानी अपना जो विधान राज्य विधानसभा है और जो हमारे राज्यपाल महोदय जी की उसमें अनुमति होगी, दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और किसके पास भेज दिया है, संसद के पास। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ संसद के पास इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि विधान परिषद का सृजन और विधान परिषद की समाप्ति करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। स्टार डाल के लिख लो, विधान परिषद यानी विधान परिषद का सृजन यानी निर्माण या समाप्ति का अधिकार संसद के पास है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2015 में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पेपर लगा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विधान परिषद का सृजन और विधान परिषद की समाप्ति का जो अधिकार है वो किसके पास है, संसद। अब हम बात करते हैं कि संसद उसे कैसे पारित करेगी। याद रखना, संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर विधान परिषद का सृजन या समाप्ति कर सकती है। विधान परिषद का सर अपन तो निर्माण कर रहे हैं तो सिर्फ सृजन ही कहेंगे, सृजन कर सकती है। दो पर्सन बन गए हैं यहाँ पर जो बहुमत से संबंधित है कि विधानसभा तो इसको दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजेगी और संसद, अब संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा, तो किसी भी सदन में यह विधेयक जा सकता है, तो वो इसे साधारण बहुमत से, एक सदन पहले साधारण बहुमत से दूसरे के पास भेजेगा, फिर दूसरा सदन भी उसे साधारण बहुमत से पारित कर देगा, तो उस राज्य में जिसने सिफारिश भेजी है, मांग की है, वहां विधान परिषद का सृजन हो जाएगा। और यही प्रक्रिया जब वो राज्य विधान परिषद को समाप्त करना चाहे तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि जो विधान परिषद में सदस्य होंगे वो कहां कहां से और कैसे कैसे चुने जाएंगे, कुछ पैसे लगाए जाएंगे, कुछ पैसे होंगे। तो विधान परिषद की जो संरचना है, इधर लिख देती हूँ मैं इस चीज को, ये आपने उतार लिया होगा जो छह राज्य वाली बात है। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की संरचना, ये हमने गठन से संबंधित बात की थी। विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखना। अनुच्छेद 171 के तहत आएगा ये, पॉलिटी में आपको अनुच्छेद याद करने हैं, अनुच्छेद से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कि उसकी संरचना होगी वो यानी कितने सदस्य होंगे उसके लिए क्या है, याद रखना। जिस भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा रहा है उस राज्य में विधानसभा सदस्यों का 1/3 सदस्य विधान परिषद में शामिल होगा। लिखेंगे पहला पॉइंट, संबंधित राज्य के विधानसभा संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों का 1/3 भाग सदस्य होंगे। यानी जितने विधानसभा में सदस्य हैं उनका 1/3 यानी 1/3 जो सदस्य हैं वो विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी, चाहे किसी भी राज्य की यहाँ बात करे। और ये जो बनाएगा वो बनाने का अधिकार मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है, वो किसके पास होता है, संसद। अब यहाँ ध्यान रखना, 1/3 तो पढ़ने कुल कर लिया। अब जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत है
विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने गए। एक तो जो राज्यपाल ने मनोनीत किए वो सदस्य प्लस राज्य विधानसभा द्वारा सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्यों को छोड़कर बाकी सदस्यों के लिए चुनाव होगा। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा तथ्य है जो आपको ना तो कोई बताएगा और ना साधारण अपने कंपटीशन वाली बुक्स में मिलता है। ये जो हाई डीपली स्टडी करने वाले हैं ये चीज है, उन लोगों को पता होती है। मैंने आपको बता दी कि राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य छोड़ दो, और एक जो राज्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाएंगे इसके अंदर जिनका लगाए जाएंगे वो उन दोनों को छोड़ दो, और बाकी के जो सदस्य होंगे वो उनके लिए चुनाव होगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सत्य भी। नेक्स्ट देखो, अब कितने सदस्य हैं वो कैसे कैसे होंगे, और ये जो बात थी हमारे विधान परिषद की संरचना की कि 1/3 होंगे और ये इतने चुने जाएंगे, इनके इतने राज्यपाल द्वारा और जो विधानसभा सदस्यों वाले छोड़ करके बाकी के चुनाव होंगे, ये जो बात भी विधान परिषद की संरचना की वो थी अनुच्छेद 173। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जो सदस्य वगैरह है ये कैसे कैसे होंगे, कितने कितने होंगे। देखो फ्रेंड्स, 1/3 की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि विधान परिषद की संरचना में कितने कितने सदस्य कहां कहां से लिए जाएंगे। याद रखना 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा सदस्यों द्वारा। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा। अब इस स्थानीय निकाय से मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें अपना पंचायती राज और नगर निकाय वगैरह, पंचायती राज में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निकाय में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे। ये दो हो गए। अब 3 नंबर पे बात करते हैं 1/12 सदस्य। 1/3 की बात हो चुकी है, 1/12 सदस्य स्नातक या स्नातकोत्तर यानी जो एमए कर चुके हैं स्नातक या स्नातकोत्तर विद्यार्थियों द्वारा जिन्हें डिग्री प्राप्त किए 3 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, 3 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। यहां चाहो तो आप सिर्फ स्नातक को ही लिख सकते हो, स्नातकोत्तर भी लिखने की जरूरत नहीं है। 1/12 सदस्य स्नातक विद्यार्थियों के द्वारा, और वो स्नातक विद्यार्थी कौन से जिन्हें डिग्री प्राप्त की हो, 3 वर्ष से ज्यादा समय हो गया लेकिन उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त की हो तो ही वो चुन सकेंगे। 4 नंबर पे देखो फ्रेंड्स, 1/12 सदस्य वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा और जिन्हें कार्य करते 3 वर्ष से ज्यादा समय हो गया हो, छोट पे लिख दिया मैंने, 1/12 सदस्यों की नियुक्ति जो वरिष्ठ अध्यापक है उनके द्वारा की जाएगी। वो नामित करेंगे कि ये व्यक्ति जाने के लिए योग्य है और ये नहीं है, ये उनको करेंगे, फिर उनके लिए चुनाव होगा। और 1/12 सदस्य स्नातक विद्यार्थियों के द्वारा, 1/3 विधानसभा सदस्यों के द्वारा और 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाएंगे। उधर जो मैंने बात लिखी है वहाँ अभी इसमें से हमारा भी एक कॉन्टोर बच रहा है, हमने वहाँ पर राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत थे उनकी भी बात की थी, ये बीच में स्पेस रह गया है विद्यार्थियों
स्नातक विद्यार्थियों के द्वारा जिन्हें डिग्री प्राप्त किए 3 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। अब इधर अपन ने एक चीज लिखी थी कि 1/3 सदस्य जो विधानसभा चुन रही है वो वाले, और जो राज्यपाल मनोनीत कर रहे हैं ना वो, उनको छोड़ करके और बाकी के क्या होंगे फ्रेंड्स, चुनाव होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब यानी चुनाव, अब उन चुनाव का प्रकार क्या है, यानी इनका चुनाव का तरीका क्या है, याद रखना प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से होते तो हम लोग भाग लेते और कभी हमने विधान परिषद के अंदर वोट डलते हुए नहीं देखा है, लोगों को वोट डालते हुए नहीं देखा है। तो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। ये पर्सन भी विधान परिषद में इंपोर्टेंट पड़ता है कि विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यहाँ काम में ली जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ जो, ये देखो जो चुने हुए सदस्य है वो कितने हैं और बाकी के मनोनीत है वो कितने हैं। तो मैं एक लाइन और लिख देती हूँ, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, याद रखना है आपको 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल। कौन होते हैं ये, जो साहित्य कला विज्ञान, याद रखना साहित्य कला विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता, विशेष रुचि रखते हों, ये व्यक्ति होंगे जो साहित्य कला विज्ञान पत्रकारिता समाज सेवा में विशेष रुचि रखते हो, विशेष उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त कर रखी हो, उनमें से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल है जो विधान परिषद में क्या करता है, मनोनीत। अब पिछली बार मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कौन सा पेपर था, वहां देखो इस तरह का प्रश्न पूछ लिया, ये प्रश्न तो सभी को आता है कि राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 1/6। अब वहां पूछ लिया निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य विधान परिषद की बात कर रहे हो, यहाँ निर्वाचित की बात है या चुनाव और उसकी बात नहीं है, 1/3 + 1/6 + 1/12 + 1/12 एलसीएम आ जाएगा हमारा, 4 + 4 + 1 + 1 कितना हो गया, 10/12 5 और 6, तो 5/6 सदस्य, 5/6 सदस्य तो कैसे होंगे फ्रेंड्स, जो निर्वाचित हुए हैं, जो चुने गए हैं, और एक जो 1/6 सदस्य थे वो सदस्य थे जिनका राज्यपाल ने मनोनीत किया था, राज्यपाल ने उनको राज्य विधान परिषद में मनोनीत किया था। अब देखिए फ्रेंड्स कि इनका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, कार्यकाल, अब मैं आप 2% बताती हूँ आपको, एक तो कार्यकाल होता है विधान परिषद का, एक बार प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना है, और दूसरा सदस्यों का कार्यकाल कितना है, सदस्यों का, तो यहाँ दोनों में हमारा उत्तर है अलग अलग आएगा, विधान परिषद है कि स्थायी सदन है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होगा क्योंकि ये कभी विभक्त नहीं होती है, तो विधान परिषद में तो पूछे तो आपको स्थायी करना है, और सदस्यों का कार्यकाल यदि पूछता है आपको तो कितना करना है, 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछते हैं हमें उत्तर क्या देना है, 6 वर्ष। अब ध्यान रखना सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य यानी 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये विधान परिषद में 6 वर्ष कार्यकाल होता है सदस्यों का, और प्रति 2 वर्ष बाद है 1/3 सदस्य है
वो सदस्यता छोड़ देंगे क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा 6 वर्ष का हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स आगे कि एक चीज और कि जो कार्यकाल है इसका संबंध कौन से अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद आपको याद रखना है 172(1). क्या याद रखना है आपको 172 के अंदर इनकी पदावधि है, इनका कार्यकाल है। अब हम बात करते हैं योग्यता, क्या बात करेंगे हम इनकी योग्यताएं कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और यदि कहीं कोई त्रुटि रह जाती है या और अन्य कोई बात आपके समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, तभी उस समस्या का आगे समाधान हो सकता है। अब हम बात करेंगे योग्यताओं की, योग्यताएं याद रखना, पहली जो योग्यता है भारत का नागरिक हो, ये हमारे सभी की योग्यताओं में आएगा, भारत का नागरिक हो। दो नंबर पे न्यूनतम आयु वो होनी चाहिए 30 वर्ष, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है ये न्यूनतम आयु वाला। तीसरा है पागलिया दिवालिया में हो, पागलिया दिवालिया ने हो, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसकी 30 वर्ष हो और उस व्यक्ति को पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए तो वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, अन्यथा नहीं। और जो योग्यता है ये याद रखनी है आपको अनुच्छेद 173 में है, योग्यताओं का संबंध कौन से अनुच्छेद से 173 से। कई अनुच्छेद बता दिए, एक बार पुनः उनको रिपीट कर रही हूँ। 169 के अंदर तो राज्य विधानमंडल था, 170 में विधान परिषद, 169 में विधान परिषद था और सॉरी एक मिनट 168 अनुच्छेद 168 में तो विधानमंडल, 169 में विधान परिषद और 170 में थी विधानसभा, 171 में इसकी संरचना थी और जो 172 था मैंने आपको अभी लिखा है इसमें इनका कार्यकाल था। अनुच्छेद 173 में विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखते हैं हम कि जो विधान परिषद है उसके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, इधर ही लिख देती हूं मैं, विधान परिषद की शक्तियां, की शक्तियां चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, शक्तियां सभी के पास है। याद रखना कोई भी विधेयक, कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है, राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है। तो चाहे विधानसभा हो और चाहे विधान परिषद हो, यदि वो साधारण विधेयक है तो दोनों के पास उसके संबंध में शक्तियां होती है, चाहे वो किसी भी सदन में पेश किया जाए दोनों सदन उसको पारित करेंगे और पारित होने के बाद किसके पास जाता है, वो राज्यपाल के पास। अब एक चीज ध्यान रखना कि आप उस महाभारत को यहाँ पुनः रिपीट नहीं करेंगे जो हमने राज्यपाल में कर ली, कि राज्यपाल क्या करेगा भाई, राज्यपाल उसको चाहे तो सहमति दे देगा चाहे उसको वापस लौटा देगा या उसे अपने पास रख लेगा, और अपने पास क्यों रखेगा वो राष्ट्रपति जी कि से सलाह मशवरा करने के लिए या राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। याद रखना यदि कोई प्रस्ताव है उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित है तो उस प्रस्ताव को तो राज्यपाल अवश्य अपने पास रखेगा क्योंकि उसे वो राष्ट्रपति जी के पास भेजेगा। अब एक चीज याद रखना कि यदि किसी विधेयक को राज्यपाल ने विधानमंडल के पास वापस विचार के लिए भेज दिया है और पुनर्विचार के बाद चाहे विधानमंडल उसमें संशोधन करे चाहे नहीं करे, दोबारा से जब वो राज्यपाल के पास आएगा तो राज्यपाल को उस पर सहमति देनी ही होगी। देखो साधारण विधेयक,
किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में, जहां दो सदनों की बात है वहां की बात है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किया जा सकता है, चाहे विधानसभा में करे चाहे विधान परिषद में करे, कहीं भी पेश हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि जो साधारण विधेयक है इसको पहली बार में तो राज्यसभा 3 महीने तक रोकेगी, और जब दोबारा वो विधानसभा से स्वीकृत होकर के जाएगा तो उसे वो 1 महीने तक रोकेगी। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कि इसे विधान परिषद, किसको, जो साधारण विधेयक है इसे विधान परिषद अधिकतम 4 माह लेट कर सकती है, 4 माह रोक सकती है, रोक सकती है। उसके बाद चाहे वो उस पर कोई एक्शन ले चाहे नहीं ले, वो अपने आप पारित हुआ माना जाएगा। पहली बार में तो 3 महीने और दोबारा से 1 महीना, तो टोटल कितना हो गया अपना 4 महीने। आगे ध्यान रखना जो धन विधेयक है, अब हम यहाँ ये नहीं लिखे कि कब पेश होगा, क्योंकि वो टॉपिक पॉइंट अपने यहाँ पढ़ ही नहीं रहे। धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिन रोक सकती है, 14 दिन रोक सकती है। आप स्वाभाविक है कि जो धन विधेयक होता है ये संसद के, ये विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाता है, ये केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद के पास जाएगा और विधान परिषद है वो इसको अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। उस 14 दिन के भीतर वो उसे पारित करे चाहे नहीं करे, वो विधेयक यानी धन विधेयक अपने आप ही पारित हुआ मान लिया जाता है। ध्यान रखना अनुच्छेद 182 के तहत, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 182 के तहत सभापति व उपसभापति का चयन किया जाता है। आप चलिए कौन सा अनुच्छेद अपना 182 की विधान परिषद की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता करने के लिए एक सभापति होगा और सभापति के कार्यों में सहायता करने के लिए उपसभापति होगा। तो इनका जो चुनाव होगा वो विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही करेंगे। जब विधान परिषद की पहली बैठक होगी तब तो ये अनुच्छेद 182 के तहत सभापति और उपसभापति है वो चुने जाते हैं। आगे ध्यान रखना एक संविधान संशोधन से संबंधित और क्वेश्चन है, वो आपको और बता देती हूँ मैं। देखिए संविधान संशोधन विधेयक पर विधेयक जिस पर आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति आवश्यक है, विधानमंडल की सहमति आवश्यक है, वहां संबंधित राज्य की विधान परिषद, संबंधित राज्य की विधान परिषद भी भाग लेगी यानी आधे से अधिक लेगी। आधे से अधिक जो राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है और उन आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडल में जहां कहीं पर विधान परिषद है वो विधान परिषद भी उसको स्वीकृति देने के अंदर भाग लेगी। ध्यान रखनी है आपको एक तथ्य और कि 2012 के अंदर अपने राजस्थान के अंदर भी विधान परिषद के गठन की बात चली थी, अपने यहाँ विधानसभा ने उसको पारित करके और भेज भी दिया था संसद के पास में, राज्यसभा में वो प्रस्ताव पारित भी किया गया था, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण अभी तक वो अपने यहाँ पर लागू नहीं हो सका है। तो यदि भविष्य में, निकट भविष्य में अपने राजस्थान के अंदर विधान परिषद का गठन होगा तो याद रखना फ्रेंड्स उसमें जो सदस्यों की संख्या होगी वो 66 होगी, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा में 200 सदस्य है और 200/1/3, तो वहाँ अपना 66 सदस्य है वो राजस्थान के विधान परिषद में
शामिल होंगे जब कभी इसका गठन किया जाएगा। तो मैंने आपको छोटे से टॉपिक के माध्यम से एक विधान परिषद का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।